हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस किसमें स्टोरी में। तो आप टाइटल तो पढ़ रहे होंगे, पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, राइट। तो बेसिकली आज का स्टोरी है एक स्कूल का। स्कूल के जो माहौल रहते हैं ना, उसमें क्या रहता है, हर स्कूल सोचता है कि मेरे स्कूल से स्टूडेंट टॉपर निकले। तो एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने क्या करा कि एक क्लास के 10th क्लास का मान लो बच्चों को सिलेक्ट करा, और कुछ टीचर को, सिर्फ 3 टीचर को सिलेक्ट करा। काफी बड़ी स्कूल थी, उनके काफी बड़े सेक्शन, मतलब काफी ज्यादा सेक्शंस थे। अब उन्होंने क्या करा, उन टीचर को एक्स्ट्रा क्लास उनसे दिलवाया और बच्चों का अलग से टाइम टेबल बनवाया। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने ज्यादा काम करोगे तो बाहर भी बात फैलेगी। हाँ, हमारे बच्चे, जिनके बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनके, मतलब उस ग्रुप के लिए जिनको स्पेशल पढ़ाया जा रहा था, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। वो बाहर बोले कि हमारे बच्चे सुपर टैलेंट में क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। टीचर्स भी खुश थे क्योंकि उनमें ऐसा बताया गया था, उस ग्रुप में वो बच्चे हैं जो सुपर टैलेंटेड थे, और वो टीचर्स हैं जो काफी अच्छे, मतलब बेस्ट टीचर हैं पूरे स्कूल के सब्जेक्ट वाइज। अब उनके लिए अलग असाइनमेंट कराया गया, और बाकी जो उनके पेरेंट्स थे बच्चों के, उन्होंने भी क्या करा, बच्चों के पीछे पड़े रहे, काम करवाए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा होश में, मतलब क्या, जोश में आ गए थे कि भाई हाँ, बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब हमारा बच्चा काफी अच्छा है। अब इतना ज्यादा काम करोगे, अच्छा बच्चा है, अच्छा टीचर, तो क्या आएगा, अच्छा रिजल्ट आया, पेपर दिया, रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या हुआ, जो बच्चों को ग्रुप, अलग ग्रुप करके पढ़ाया गया था, उनके रिजल्ट काफी अच्छा आया, मतलब क्या है, अनबिलीवेबल रिजल्ट आया। अब क्या हुआ, लास्ट डे क्या हुआ, मतलब रिजल्ट होने के बाद क्या होते हैं, ऑब्वियसली प्रिंसिपल साहब ने जो टीचर्स थे उनको बुलाया। टीचर्स खुश थे कि हमारा रिजल्ट काफी अच्छा है। कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आता है, वो क्या है, जब प्रिंसिपल साहब अपना मुंह खोलते हैं, उन्होंने क्या बोला मुंह खोल के, जरा ये तो सुनो। उन्होंने बोला, कोई आप बेस्ट टीचर नहीं हो स्कूल के, आप अच्छे टीचर हैं, सारे हमारे स्कूल के जैसे बाकी टीचर हैं, आप भी वैसे टीचर हो। और जो स्टूडेंट्स को उस ग्रुप में लिया गया था, वो भी कोई बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं थे, हमने रेंडमली चूज करा था, बस बताया कि बेस्ट स्टूडेंट है। तो आपने क्या करा, उनको बेस्ट स्टूडेंट के तरह ट्रीटमेंट दिया। मतलब आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन गया, ये अच्छे बच्चे हैं, हमें अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, आप अच्छे से प्रिपेयर करके आए, अच्छे से पढ़ाए, बच्चे भी सोचे मैं काफी अच्छा बच्चा हूँ इसलिए इस ग्रुप में सिलेक्ट हुआ, उनके पेरेंट्स भी सोचे, तो एक बिलीफ सिस्टम बने कि हाँ मैं काफी अच्छा हूँ, मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से उन्होंने मेहनत करना शुरू करा। तो आप भी कभी भी किसी और से कम ना समझे, आप अपने आप में एक यूनिक हो। तो आपको क्या करना है, अपना बिलीफ सिस्टम को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, बाकियों से दबना नहीं है, अपना खुद का सिस्टम बनाना है, मेहनत करना है, तो सक्सेस आपके लिए डेफिनेटली वेट कर रहा है। आप भी वो, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप ही वो नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन हो, आप जिस फील्ड में सक्सेस गेन करना चाहते हो। सो गाइस, आज के स्टोरी में इतना ही, होपफुली आपको कुछ समझ में आया इस स्टोरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड शेयर दिस स्टोरी विद योर फ्रेंड्स, बाय।